द शील्ड एक ऐसी टीम जिसने नवंबर 2012 में सर्वाइवर सीरीज में अपने डेब्यूट में आते के साथ ही WWE में तहलका मचा दिया। द शील्ड एक ऐसी टीम जिसने जॉन सीना, रायबैक, रैंडी ओटन, केन और द रोक जैसे तगड़े सुपरस्टार पर ताबड़तोड़ हमला करके WWE में अपनी दहशत पैदा की, क्योंकि दोस्तों शील्ड में शामिल है सेथ रोलिंस, डीन एम्ब्रोज और द बिग डॉग रोमन रेंस। दोस्तों WWE में बहुत कम सुपरस्टार ऐसे हैं जिन्होंने शील्ड के तीनों मेंबर्स को फाइट में धूल चटाई हो। उदाहरण के तौर पर जॉन सीना, जिसने सेथ रोलिंस और डीन एम्ब्रोज को फाइट में हराया है लेकिन रोमन रेंस को नहीं। ठीक इसी तरह फिन बैलर, जिसने रोमन रेंस और सेथ रोलिंस को फाइट में हराया है लेकिन डीन एम्ब्रोज को नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल पंडित और आज की वीडियो में हम बात करेंगे WWE के उन टॉप 5 सुपरस्टार के बारे में जिन्होंने शील्ड के तीनों मेंबर्स को फाइट में धूल चटाई है और WWE में अपना इतिहास बनाया है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये मत कहना कि राहुल भाई शील्ड हमारी फेवरेट टीम है, आपने उसके बारे में ऐसा क्यों बोला, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो का मेन पर्पज उन टॉप 5 सुपरस्टार के बारे में बताना है जिन्होंने शील्ड के तीनों मेंबर्स को फाइट में हराया है। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है कुछ ज्यादा ही खास, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कीजिए अपने भाई राहुल पंडित को और फुल सपोर्ट दिखाए भाई को। दोस्तों नंबर 5 पर है ब्रॉन स्ट्रोमैन। दोस्तों 25 सितंबर 2017 की रो ब्रांड में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने डीन एम्ब्रोज को सिंगल बिना चिटिंग के फाइट में हरा दिया था। इसके अलावा 20 अक्टूबर 2017 की रो ब्रांड में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने सेथ रोलिंस को सिंगल बिना चिटिंग के फाइट में हरा दिया था। और जहां बात आती है रोमन रेंस की, तो ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस रोमन रेंस के बीच में बहुत सारे मैच हुए हैं जिनमें से कुछ मैच रोमन रेंस ने जीते हैं और कुछ मैच ब्रॉन स्ट्रोमैन ने। दोस्तों अगर मैं सभी मैचेस के बारे में बात करूंगा तो वीडियो काफी बड़ी बन जाएगी, इसीलिए मैं हर सुपरस्टार्स के एक एक मैच के बारे में बात करूंगा। दोस्तों पे बैक 2017 में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रोमन रेंस को सिंगल बिना चिटिंग के फाइट में हरा दिया था। दोस्तों नंबर 4 पर है समोआ जो। दोस्तों 11 सितंबर 2017 की रो ब्रांड में डीन एम्ब्रोज का ध्यान जेसन जॉर्डन की तरफ भटक जाता है और समोआ जो मौके का फायदा उठाकर सबमिशन द्वारा डीन एम्ब्रोज को फाइट में हरा देते हैं। इसके अलावा 5 जून 2017 की रो ब्रांड में सेथ रोलिंस वर्सेस समोआ जो के मैच में व्याट फैमिली का म्यूजिक बजता है और सेथ रोलिंस का ध्यान भटक जाता है, जिसके कारण समोआ जो मौके का फायदा उठाकर सबमिशन द्वारा सेथ रोलिंस को फाइट में हरा देते हैं। और जहां बात आती है रोमन रेंस की, तो 6 फरवरी 2017 की रो ब्रांड में रोमन रेंस वर्सेस समोआ जो के मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन की मदद से समोआ जो पिन करके रोमन रेंस को फाइट में हरा देते हैं। दोस्तों नंबर 3 पर है ब्रॉक लेसनर। दोस्तों रेसलमेनिया 32 में ब्रॉक लेसनर ने डीन एम्ब्रोज को सिंगल बिना चिटिंग के मैच में हरा दिया था। इसके अलावा रॉयल रंबल 2015 में ट्रिपल थ्रेड मैच में ब्रॉक लेसनर ने सेथ रोलिंस को पिन करके मैच में हरा दिया था। और जहां बात आती है रोमन रेंस की, तो रेसलमेनिया 34 में ब्रॉक लेसनर ने सिंगल बिना चिटिंग के रोमन रेंस को फाइट में हरा दिया था। दोस्तों नंबर 2 पर है सीमस। दोस्तों 27 अगस्त 2015 की स्मैकडाउन में व्याट फैमिली डीन एम्ब्रोज का ध्यान भटका देती है और मौके का फायदा उठाकर सीमस ब्रोक किक द्वारा पिन करके डीन एम्ब्रोज को मैच में हरा देते हैं। इसके अलावा 7 अगस्त 2017 की रो ब्रांड में सिजारो की मदद से सीमस रोलर द्वारा सेथ रोलिंस को मैच में हरा देते हैं। और जहां बात आती है रोमन रेंस की, तो सर्वाइवर सीरीज 2015 में रोमन रेंस डीन एम्ब्रोज को हराकर WWE चैंपियन बन जाते हैं, लेकिन उसी टाइम सीमस पीछे से आकर रोमन रेंस पर ब्रोक किक लगा देते हैं और मनी इन द बैंक कैशिंग करके रोमन रेंस को फाइट में हरा देते हैं और बन जाते हैं न्यू WWE चैंपियन। और दोस्तों नंबर 1 पर है द फीड ब्रे वाइट। दोस्तों 8 मई 2017 की रो ब्रांड में ब्रे वाइट द मिज की मदद से डीन एम्ब्रोज को फाइट में हरा देते हैं। इसके अलावा क्राउन जेवल 2019 में फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच में द फीड ब्रे वाइट सेथ रोलिंस को फाइट में हरा देते हैं और बन जाते हैं न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। और जहां बात आती है रोमन रेंस की, तो बैटल ग्राउंड 2015 में ल्यूक हार्पर की मदद से ब्रे वाइट रोमन रेंस को फाइट में हरा देते हैं। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 सुपरस्टार जिन्होंने शील्ड के तीनों मेंबर्स को फाइट में हराया है।